देखिए हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी और कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही, और जितनी अच्छी लग रही है उतनी टेस्टी भी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच हम घी डालेंगे। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। मैंने बादाम और काजू लिए हैं जिसे मैंने ब्रीक काट लिया है। अब मैं इनको हल्का फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी, बस हल्का फ्राई करके इन्हें निकाल लेना है। फ्राई हो गए हैं, बस हल्के फ्राई करके मैं इन्हें निकाल रही हूँ। अब मैं इनको निकालती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। मैं 1/2 लीटर दूध डाल रही हूँ और इसे एक बॉयल आने दूंगी। मैंने 1/2 कप साबूदाने को अच्छे से साफ करके 1/2 घंटे तक भिगो के रख दिया था। अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। दूध में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें साबूदाना मिक्स कर दूंगी, डाल दूंगी। ये मैंने साबूदाना डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैंने 5 इलायची कूट कर इसमें डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स कर रही हूँ मैं। साबूदाने की खीर को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इसे इसी प्रकार चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे गाढ़ा होने तक इसी प्रकार हमें चलाते रहना है और जब तक इसके जो दाने हैं साबूदाने के वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाएं। देखिए खीर गाढ़ी हो गई है साबूदाने की और ये तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो हमने फ्राई किए थे ड्राई फ्रूट्स वो डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।